उदयपुर के हिरन मगरी थाना क्षेत्र में एक कार में बैठकर आए पांच बदमाशों ने अरुण हंडीरिया को दुकान के बाहर निकालकर मारपीट की। बदमाशों ने युवक को दुकान से जबरन घसीटकर बाहर लाकर उसके साथ मारपीट की। बदमाशों ने युवक को इतना मारा कि उसकी फसलियां तक टूट गई। हादसे के बाद घायल युवक को इलाज के लिए MB हॉस्पिटल के ट्रोमा सेंटर में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं घायल अरुण के दोस्तों का कहना है कि उन्हें कुछ लोग जान से मारने की नीयत से घूम रहे हैं, वह कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। ऐसे में उन्होंने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। दुल्हन डे के दिन झगड़ा हुआ था शाम को सेक्टर 4 में, और मैं वहाँ पर खड़ा था ना। उस झगड़े में मेरा कुछ आपसी विवाद कुछ हुआ नहीं था, ना मैंने उनको किसको मारा था, और तो भी मेरे को पुलिस प्रशासन से केस करा था। तो केस करने के बाद पुलिस प्रशासन ने हमें पकड़ा और हमें फिर से 151 में पाबंद करा। पाबंद करने के बाद कल हमारी जमानत हुई, और जमानत होने के बाद मैं 10 दिन बाद आज दुकान गया, और दुकान गया मेरी गाड़ी के ऊपर पत्थर मारे, और उसके बाद आज दुकान पर आए भरत आया और उसने मेरे को मारा। पहले पेट पकड़ी और मेरे गले में चेन थी, वो चेन छीनी अब या घूमी, अब वो भरत ने मेरे हाथ से पहले गर्दन पर हाथ रखा और उसने मारना स्टार्ट किया। उसके साथ संजय था और मुकेश कालरा और दिनेश कालरा कार में बैठे थे, और भरत यूँ कह रहा था तलवार निकालो तलवार निकालो।